दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाल सिंधवानी और आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा पशुओं में होने वाले दस्त का घरेलू इलाज के बारे में। दोस्तों ये दस्त किस कारण से होते हैं और इनकी क्या दवाइयाँ होती हैं, इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। पर आज दोस्तों मैं बात करूंगा सिर्फ घरेलू इलाज के बारे में, वो भी दोस्तों गर्मियों के दिनों में जब आपके पशु को दस्त लगते हैं, तो जो मैं आज आपको घरेलू इलाज बताऊंगा ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो दोस्तों जब आपके पशु को दस्त लगते हैं और वो भी शुरुआती स्टेज पर होते हैं, पशु का खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में जो ये घरेलू उपाय है ये बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव सिद्ध होता है। इसमें करना क्या दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आपने अपने पशु को जब दस्त लगते हैं तो सुबह 9 या 10 बजे के करीब अपने पशु को 50 ग्राम नीम की पत्तियां खिलानी है। आप पीस कर भी खिला सकते हैं, पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 50 ग्राम नीम की पत्तियाँ लेनी है और उसे पीस कर अपने पशु को खिला देनी है। फिर उसके एक घंटे के बाद दोस्तों आपने एक ये जो घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये अजमा के देखना है। तो इसके लिए आपने लेने हैं 250 ग्राम सफ़ेद प्याज। दोस्तों ये जो सफ़ेद प्याज हैं ये पशु के लीवर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और गर्मियों में ख़ास तौर से अगर पशु को गर्मी लग गई है, पशु गर्मी के कारण दस्त लग गए हैं, तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। आपने 250 ग्राम सफ़ेद प्याज ले लेने हैं और उनका रस निकाल लेना है और साथ ही साथ दोस्तों आपने लेना है 10 ग्राम जीरा। फिर दोस्तों तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है 1 लीटर छाछ। ये छाछ भी पशुओं के लिए गर्मियों में बहुत ही बढ़िया सिद्ध होती है। फिर दोस्तों ये आपने तीनों चीज़ें छाछ, प्याज का रस और साथ में जीरा मिला लेना है और अपने पशु को दिन में एक बार देना है। दोस्तों इसका टाइम मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने जैसे 10 बजे आपने वो नीम के पत्ते दिए तो ये आप 11 बजे देंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर दोस्तों आपके पास छाछ नहीं मिलती तो आप इसकी जगह चावल का जो पानी होता है, जब हम चावल बनाते हैं उसका पानी निकलता है जिसे हम मांड भी कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। दोस्तों ये मांड होता है जो ये पशुओं के लिए गर्मियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कई तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, यह भी पशुओं को गर्मी में अगर हम देंगे तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों आपने ये काम करना है, सबसे पहले आपने नीम की पत्तियां देनी है अपने पशु को और उसके एक घंटे के बाद आपने अपने पशु को ये जो घरेलू नुस्खा बताया ये दे देना है, इससे आपका पशु पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर भी इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, या आप मेरी पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देख सकते हैं, उसमें जो मैंने दवाइयाँ दी बताई हुई हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।